दोस्तों, स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो बीपीएससी का प्री समाप्त हो गया है। कल मैं एग्जामिनेशन सेंटर पे था, काफ़ी लोग मिले, 2-4-5 लोग, और ये होते होते 8वां 9वां बार जाके एग्ज़ाम फाइनल ओवर हो गया। और इस बार बहुत मतलब शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। पूरी प्रशासन मुस्तैद थी, समय की जो पाबंदी थी उसके चलते कुछ लोगों का एग्ज़ाम छूटा भी 1-2 मिनट से, जो लेट से आए थे। हालांकि उनको पहले आना चाहिए था, बट ओवरऑल मिला के सब कुछ बढ़िया रहा। ठीक है, हम लोगों का पहले मैं बता दूं कि हम लोग का जो ग्रुप रन कर रहा था, द एग्ज़ाम पोर्टल का जो मास्टर ग्रुप था, पेड ग्रुप था, जिस पे मात्र 180 रुपये लेके हम लोग लगातार क्विज करा रहे थे, उससे लगभग 80 से 100 प्रश्न आए हैं। प्रश्न भी निकाले जा रहे हैं। मैं ड्यूटी में व्यस्त था, इस वजह से बहुत कुछ नहीं हो पाया। प्रश्न मैं डाल दूंगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, द एग्ज़ाम पोर्टल का जो टेलीग्राम ग्रुप है, उस पे आपको पता चल जाएगा कि ये प्रश्न आए हैं, अभी प्रश्न निकल रहे हैं, है ना। मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि ये दावा कर रहा है कि इतना आया। हम लोग जो हमारा मॉडस अप्रेंडी है, या हम लोग जो कराते हैं, जो बेसिक बुक्स हैं जिससे सारे प्रश्न आए हैं, घटना चक्र से, आप मिला के देखेंगे तो घटना चक्र, लुसेंट, करेंट, क्लेश, पीडीए, ड्यूटेरिया, और बिहार का सर्वे, और ये सब बिहार स्पेशल एकदम वही जनरलाइज रहा है। कुछ प्रश्न पिछले बार भी जब एग्ज़ाम हुआ था मई में, तो वो ट्रेंड था, उस ट्रेंड को अभी भी अप्लाई किया गया है, डेट वगैरह का, और इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा टफ बनाया गया, तो सेम टू सेम मतलब वैसा ही रखा गया है। तो हम लोगों ने लगातार इस पे तैयारी कराई थी, और काफ़ी बच्चे जिन्होंने मेहनत किया उनका हुआ। बाकी हर जगह से बच्चे 150 में 150 दूसरे कोचिंग्स वालों के भी आ रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। अब देखिए, 2-3 बात, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, जिनका नहीं हुआ, या मतलब जो मतलब एक एवरेज स्कोर से मैं बता दे रहा हूँ, नीचे है, तो अभी सबसे सामने देखिए बीपीएससी और यूपीएससी, मतलब एक ऊपर लेवल की चीज़ है। निकलना थोड़ा सा मेहनत, लक और आपकी राइटिंग स्किल पे भी डिपेंड करता है। वन डे एग्ज़ाम की तरह आप प्री तो पास कर जा सकते हैं, लेकिन मेंस पास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो जिनका थोड़ा सा भी डाउट है, ऐसा है वैसा है, बिहार एसएससी में सीधे लगेंगे। मैंने 3-4 वीडियो बनाया है इसको लेके, यही आपके लिए हेल्पफुल होगा। अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं, और जिनका हो गया है, 3 महीने का टाइम मिलेगा। आयोग के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने जो कहा था वो करा लिया शांतिपूर्ण से। अब 3 महीने 3.5 महीने जो भी मिले, एग्ज़ाम एकदम फिक्स है, तो उसमें लग जाना है ना। तो देखिए, एक मोटा मोटी कट ऑफ थोड़ा सा पिछले बार से, अब जैसे 100 के पार का ट्रेंड हो गया तो होगा ही, और इस बार ऐसा इसलिए होगा कि एग्ज़ाम में जो 60% लोग होते हैं वन डे एग्ज़ाम स्पेशलिस्ट होते हैं, और अभी बिहार में लगातार ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ESI, बिहार SI, और भी ऐसे बिहार के अनेकों एग्ज़ाम हुए हैं जिसके लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, तो जो वन डे स्पेशलिस्ट होते हैं वो स्कोर को बढ़ा देते हैं। तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि इन लोगों की वजह से, मतलब इन छात्रों की वजह से, इन जो वन डे एग्ज़ाम के स्पेशलिस्ट होते हैं, स्कोर को आगे बढ़ाएंगे, और थोड़ा सा ट्रेंड बदल भी रहा है तो कट ऑफ बढ़ेगा। मैंने एक जनरल कट ऑफ, चूँकि हम लोगों ने आंसर की अपने उस पर वेबसाइट टेलीग्राम पे करेंगे, मैं यहाँ आंसर की नहीं, मोटा मोटी एक कट ऑफ बता देता हूँ। हम लोगों ने 2-3-4 जगह से मिलाए हैं, अभी कुछ प्रश्न ऊपर नीचे जरूर होंगे आयोग का जब आंसर किया आएगा तो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, कट ऑफ में जिनका इस बार कट ऑफ 104-105, इवन 105 से भी ऊपर जाएगा, ये एकदम ट्रेंड है, क्योंकि प्रश्नों को ज़्यादा सही लोग कर रहे हैं, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, और ये जो छात्र हैं, पढ़ाई इन्होंने 3-4 बार ग्रुप में रुक 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 के सालों भर पढ़ाई की है, तो ऊपर जाएगा, है ना। तो 105 प्लस ही मान के चलिए, 2-3 ऊपर ही जाएगा, 105-6 ऐसे हो सकता है। और जनरल फीमेल का 98-99-100 इसी के आसपास। EWS का यदि बात करेंगे तो अब EWS ज़्यादा कम नहीं हो रहा है, 102-101 ऐसे 100 के आसपास, प्लस माइनस 2-3 रख लीजिएगा। फीमेल का 97-98 इतना में। OBC अब ज़्यादा कम नहीं होगा, 103-104 प्लस माइनस 2, और उसमें 97-98 कर लीजिए फीमेल का। ST का 100 से ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि इनकी सीटें कम रहती है, इसमें 4-5 महिलाओं के लिए कम कर लीजिए। SC का 97-98 और महिलाओं के लिए 88-89, और ST मैंने बता दिया। तो ये ओवरऑल है, मतलब जनरल में 105 मिल है, यदि इतना आपका स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, तैयारी में लगी। अदरवाइज थोड़ा सा भी हो रहा है तो आप एग्ज़ाम छोड़िएगा नहीं, अभी लगातार एग्ज़ाम आ रहा है, ड्यूटी है। ये हमारा जो था कट ऑफ बताने का, ये था, हम लोगों ने बता दिया, इसी के आसपास रहेंगे। आप अपना स्कोर यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, और क्वेश्चन और ये सब हम लोग जल्दी शेयर करेंगे, और आगे की स्ट्रेटेजी कुछ मेंस में जो मेरे ऑप्शनल हैं, मैं अपने लेवल पे बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। बट कट ऑफ यही है हमारे अनुमान से। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।